और 35 के एवरेज में चलिएगा, 40 और 35 के एवरेज में चलिएगा तो आपको 165 फुल देगा, एकदम फुल गारंटी 165। नॉर्मल स्पीड में चलने से फुल देगा? हाँ, फुल देता है। अगर हाई स्पीड करते हैं, हाई स्पीड तो करते हैं 130 पर आ जाएगा। मतलब कम ज्यादा करते रहेंगे तो फिर लो डाउन। हाँ, लो डाउन। अगर एक चाल में अगर आप चलते हैं तो मान लीजिए कि 35 की स्पीड में हम चल रहे हैं तो हम तो कहते हैं 160 का 65-70 भी पहुंच जाएगा। अगर 35 के एवरेज में अगर गाड़ी चलता है चले तो मतलब एक स्पीड में चले तो देगा। हाँ, एक चाल होना चाहिए। और ढलान पर इसको जैसे ही स्लेटर छोड़ते हैं ऑटोमेटिक इसका रेंज बढ़ जाता है। रेंज बढ़ जाता है। रेंज बढ़ने का कारण है कि बैटरी मेरा जो है कम खाता है और सारा चीज़ जो है ना, मतलब ये कहीं से मतलब कि अगर हम चल भी जाते हैं, मतलब मान लीजिए मेरा बैटरी जो पूरा ख़त्म हो जाता है, पूरा 4 जो विकेट 5 वो 5 विकेट अगर ख़त्म भी हो जाता है तो भी मेरा गाड़ी जो है 15 किलोमीटर घर तक पहुंचा देता है, पूरा बैटरी ख़त्म होने के बाद होने के बाद भी। हाँ, पूरा ख़त्म होने के बाद भी 15 किलोमीटर चल रहा है। पूरा बैटरी का जो मीटर होता है ना पूरा ख़त्म हो जाता है तो भी ये पहुंचा देता है घर तक, क्योंकि हमने रिंग रोड में फंसे थे, रांची रिंग रोड में। अच्छा, रांची रिंग रोड में फंसे हम गए थे यहाँ क्या बोलते हैं दीपूदाना वाटर पार्क है। तो मेरे पास बैटरी था मात्र 36-37 के एवरेज में था। अच्छा, 36 के एवरेज में था तो मैंने यहाँ 15 बजरा मेजर कोठी से निकले लाने के लिए उसको छोड़ दिए थे। फिर हम घर पर आए, फिर भी मेरा बैटरी को उतना ही चार्ज हुआ जितना मैं वहाँ से चले थे, उतना ही मेरा चार्ज हुआ। तो फिर यहाँ से वहाँ गए और फिर भी हमको डर पैदा हो गया कि गाड़ी खत्म हो जाएगी तो खत्म हो गया। अब तो ये पूरा मतलब कि नया सराय जो मोड़ है घुसने वाला, वहाँ पर हम आए तो देखे कि मेरा पूरा बैटरी डाउन हो गया, एकदम एक भी बैटरी इसमें नहीं बचा। फिर भी देखे कि जब घर पर फोन भी लगाए कि कोई गाड़ी लेकर आएगा टॉर्चर करने के लिए, फिर भी मेरा गाड़ी जो है हम चलते रहे तो मेरा गाड़ी घर तक पहुँच गया। सब वहाँ से नाभिक तो 12-13 किलोमीटर हमारा घर पड़ जाता है नोवा नगर। अच्छा, तो नोवा नगर हम चलाए पूरा बैटरी ख़त्म होने के बाद भी, उसके बाद मेरा गाड़ी जो है बंद हो गया घर पर आने के बाद ही बंद हुआ। घर के द्वारी पर बंद हुआ, उसके बाद भी एक डेग नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन ये है बैटरी पूरा चार्ज देता, लेकिन एक लेवल में चलाइएगा और ऐसा सोचिएगा कि 50 और 55 सटल चले चलते, मतलब कम ज़्यादा कभी स्पीड कम ज़्यादा करेंगे तो फिर एवरेज गिरेगा। ये नॉर्मल में चलिए आपको 70 तक भी पहुँच जाएगा। अगर आप धीरे चाल में चलिएगा ना 35-30 के एवरेज में तो आपको एक नॉर्मल चाल जो है उसमें अगर चलेंगे तो 170 तक भी चल जाएगा। यही चीज़ के लिए दिया है, चल जाता है। चलिए नॉर्मल में 35-30 चलिएगा ना तो पक्का देगा 75। अगर आप 50 चढ़ाइएगा 45 चढ़ाइएगा तो आपको बैटरी जो है 150 का एवरेज देगा, 150 का एवरेज देगा। लेकिन 50 और 45 के बीच ये सब आपका ट्रायल किया हुआ है? ये मेरा ट्राई किया हुआ है सर। हाँ, हम सुबह निकालते हैं 4 बजे भोर में, फिर 10 बजे तक गाड़ी लगा देते हैं, मेरा 50% बैटरी ख़त्म हो जाता है। फिर हम चार्ज में लगा के खाना पीना नहाना धोना जो भी करना है कर लेते हैं। फिर निकलते हैं 6 बजे शाम में, 8 बजे तक चलाते हैं, 25-30% बैटरी ख़त्म होता है, फिर लगा देते हैं, लगा होगा कि 98% बैटरी करते हैं, चार्ज भी 98% ही करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते। कभी कदाल जो है करने का होना चाहिए, कभी कदाल 100 हो जाता है, उसके लिए भी दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन 98-99 रखिए, मैक्सिमम 98 रखिए। 98 रहेगा बैटरी का लाइफ से ज्यादा, बैटरी का लाइफ रहेगा, इसलिए हम लोग जागे हुए रहते हैं उतना टाइम तक ताकि 98 हो जाए, कभी हम बंद कर दें, कभी भूल चूक से 100 हो जाता है, लेकिन उससे भी कोई किंतु परंतु नहीं है। गाड़ी का पहला बैटरी जो है 5 बैटरी चार्ज होता है, इसमें 5 कुटी बताता है, तो उसमें से एक बैटरी जो है जो पहला बैटरी था वो 20 किलोमीटर में दायरे में गिर जाता है, नहीं 20 में नहीं गिरता है, हाँ 20 में गिर जाता है, 20 में गिर जाता है। दूसरा बैटरी जो है वो मोटा मोटी 30-40 के एवरेज में गिरता है, भाई 20 के एवरेज में, मतलब 20 का दो बैटरी जब बचता है इसमें तो 50% बचता है। 50% बचने के बाद जो है ये अपना चलता ही है, 60-70 किलोमीटर तो पक्का चलता है दो बैटरी बच जाने के बाद। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है।